हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शुभम सुदामा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि माइक्रोसॉफ्ट टीम में मीटिंग शेड्यूल कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए आपको अभी मीटिंग लेना है तो नॉर्मली आप जनरेट कर लेंगे, लिंक आप शेयर कर देंगे। बट अगर आपको दो दिन चार दिन बाद का मीटिंग शेड्यूल करना है तो किस तरीके से होगा इस एप्लीकेशन में, सो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस ऐप को सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है जिससे साइनअप कर लीजिए। अगर आपने अभी तक साइनअप नहीं किया है तो साइनअप करिए। आपको इसका जो वीडियो है मेरे चैनल पर मिल जाएगा और आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो मैंने साइनअप कर रखा है तो साइन इन कर लूँगा। आपने भी अगर साइनअप कर रखा है तो डायरेक्ट साइन इन पर क्लिक करेंगे और जैसे मैंने पहले से ईमेल एड्रेस डाल रखा है तो मैं साइन इन कर लूँगा। तो ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड पे हम क्लिक करेंगे और पासवर्ड डाल के साइन इन करेंगे। तो आप देखते रहिए। सो गाइस, देख सकते हैं मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया है। आप भी अपना पासवर्ड डाल लीजिए। उसके बाद अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट करके पूछिए। और मेरा वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो नाइस या थैंक्स लिख सकते हैं या कुछ और लिख सकते हैं अपने हिसाब से। और इस ऐप वीडियो का जिसको भी ज़रूरत हो आप उसे शेयर जरूर करिएगा। सो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो मैं साइन इन क्लिक कर दूंगा और नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। सो आपने जब साइनअप किया होगा तो आपने जब ऑर्गेनाइजेशन दो तीन बनाया होगा, एक पर्सनल है, तो अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना होगा। और अगर पर्सनल चैट करना है तो आप यहाँ पे पर्सनल वाले पे करेंगे। तो मैं कोई एक ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका ये जो है ऐप ओपन हो जाएगा। स्विचिंग हो रहा है। सो हमारा स्विच हो रहा है इंग्लिश क्लास की तरफ, ठीक है। तो हमारे जनरेट मतलब ओपन हो चुका है हमारा ऐप, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दो तीन ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे में। एक एक्टिविटी, एक है चैट, एक है टीम, एक है मीटिंग और एक है मोड। मोड पे नहीं जाना है हमें, मीटिंग शेड्यूल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मीटिंग पे क्लिक करेंगे। मीटिंग पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक कैलेंडर टाइप का बना हुआ दिख रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। आप भी क्लिक करिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको मीटिंग का नाम क्या देना है उस पर क्लिक करना है। आपको अपना मीटिंग का नाम क्या देना है, तो मान लीजिए कि आपको कोई संडे मीटिंग करना है या इंग्लिश क्लास, हिंदी क्लास, कुछ भी करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो मैं मान लीजिए जनरेट कर देता हूँ मैथ्स क्लास, ठीक है। अगर मुझे टीचिंग करनी है तो मैथ्स क्लास कर देता हूँ, ठीक है, मैथ्स क्लास। अगर आपको कोई और टाइटल डालना है तो आप वो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक दिन या दो दिन का अगर आपको शेड्यूल करना है तो आप यहाँ पे डेट एंड टाइम सेलेक्ट करेंगे। तो इस पर क्लिक करते ही आपका कैलेंडर शो होने लगेगा कि आपको कब करना है। मुझे मान लीजिए 28 को करना है, मैं ओके कर दूंगा और टाइम सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, 8 o'clock का, ठीक है, 8। चलिए मैं इसे AM कर देता हूँ, ठीक है, मॉर्निंग का 8 AM। या अगर मैं ऑल डे कर देता हूँ तो फिर मुझसे ये टाइमिंग नहीं मांगेगा। अगर मुझे डेली का क्लास करना है तो मैं ऑल डे पे क्लिक कर दूंगा। आप भी ऑल डे पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हम टिक कर देंगे इस पे, ठीक है। आगे का प्रोसेस देखिए। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे मीटिंग कोड शेयर कर सकते हैं या कॉपी लिंक करके शेयर कर सकते हैं और कुछ भी एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, जो टाइमिंग होगा उसके हिसाब से, जो बच्चों को हमने टाइमिंग दिया होगा, ठीक है। और मीटिंग ऑप्शंस भी आता है, यानी कि एडवांस मीटिंग ऑप्शन भी आता है, ठीक है। या हम इसे एडिट करना चाहते हैं कि हमें एक ही दिन का क्लास चाहिए तो हम इसे ये भी कर सकते हैं। और एडवांस मीटिंग ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, क्या है देखते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं मीटिंग ऑप्शन में क्या आ रहा है। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आया मैथ्स क्लास और टाइमिंग क्या थी, 28 को 8 बजे से 12 बजे, 4 घंटे का है। नाम है मेरा शुभम सुदामा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे मीटिंग ऑप्शन में दो दिख रहा है, हु कैन बाईपास द लॉबी, ठीक है, कौन कर सकता है। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन का बंदा होगा जिसे आपने लिंक, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन वाला उसे ही आप करना चाहते हैं, या कोई भी बंदा इसे ज्वाइन कर सकता है इस मीटिंग को, ठीक है। तो एवरीवन पे भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन वाले करें तो आप पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हु कैन प्रेजेंट द स्क्रीन, सिर्फ आप करना चाहते हैं कि बहुत से क्या होता है, बहुत सारे बच्चे स्क्रीन प्रेजेंट करके टाइम बर्बाद करते हैं या कुछ ऐसे करते हैं, तो आप ओनली फॉर मी पे भी क्लिक कर सकते हैं और सेव पे ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेव हो जाएगा और फिर हमें यहाँ पे कट करके बैक चले जाना है। इसके बाद हमें इसे शेयर कर देना, तो हम इसे शेयर कर देते हैं। शेयर करने का दो तीन ऑप्शन आएगा, व्हाट्सएप, जो भी आपको शेयर करना है आप इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। या मैं कॉपी लिंक करके भी कर सकता हूँ। तो देखिए मैं अपने भाई वाले ऑप पे सेंड करता हूँ और एक लिंक क्रिएट हो गया है और यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम इसे सेंड कर देंगे और सेंड हो गया है। अब वो बंदा चाहेगा तो यहीं से ज्वाइन कर सकता है इस लिंक को क्लिक करके। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आपको सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद आप ज्वाइन पे आ जाएंगे।
सो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। सो और एक बात और बता दूं कि और अगर आपको मीटिंग ये वाला डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, आप देख रहे होंगे, बट मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है। अब बैक जाके आप इस मीटिंग को कहाँ पर देख सकते हैं, इस मीटिंग पर, ठीक है। अब देखिए मेरा मीटिंग दिखने लगा है 29 तारीख का, यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप किसी और डेज का अगर करिएगा तो आपको उस डेट का दिखाई देगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।